अपनी उम्र और माल पर कभी एतबार ना करना, क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ जाए वो लाजमी ख़त्म होने वाली है। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सबको भुला दो, वक्त कहता है मेरे पीछे चलो बाकी सबको छोड़ दो, मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो बाकी सब भुला दो, और अल्लाह सिर्फ इतना कहता है मुझे याद करो, मैं सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। ज़मीर बेचने वालों ने क्या खूब काम किया, जिसे अरूज पर देखा उसे सलाम किया। आजकल सिर्फ पैसे की अहमियत है, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है, किस्मत मोहल्लों में राज करती है। दौलत ऐनक खरीद सकती है मगर नज़र नहीं, दौलत किताबें खरीद सकती है मगर इलम नहीं, दौलत घड़ी खरीद सकती है मगर वक्त नहीं, दौलत कलम खरीद सकती है मगर तहरीर नहीं, दौलत दवाएं खरीद सकती है मगर सेहत नहीं, दौलत नर्म बिस्तर खरीद सकती है मगर नींद नहीं, दौलत ऐश व इशरत खरीद सकती है मगर सकून नहीं। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। सिर्फ पैसा ही रिस्क नहीं, बल्कि अकल, अदब, चेहरा, औलाद, इल्म भी रिस्क है, और इससे बड़ी बात के बेहतरीन दोस्त भी रिस्क में शामिल है। दौलत कमाने के लिए इंसान अपनी सेहत खो देता है, और फिर सेहत को वापस लाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। अफसोस कि मैंने खूनी रिश्तों से लेकर रूहानी ताल्लुकात तक सबको पैसे का मोहताज पाया। हिर्स लालच दो भेड़िए जो रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो वो इस कदर फसाद बरपा नहीं करते जिस कदर इंसान की दौलत और मर्तबे की हिरस और लालच उसकी दुनिया में फसाद डालती है। खुदा अपने बंदे की रोजी ऐसी जगह से पहुंचाता है जहां से पहुंचने का गुमान भी ना हो। कोई भी चीज़ अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। समझ नहीं आती वफा करें तो किससे करें, मट्टी से बने ये लोग कागज़ के टुकड़ों पे बिक जाते हैं। इंसान उस दौलत पे इतना क्यों उतराता है जो अगर हलाल है तो हिसाब देना पड़ेगा और अगर हराम है तो अजाब सहना पड़ेगा। हम उस बदनसीब माशरे का हिस्सा हैं जहां सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेता है। दोस्त को दोस्त की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं।